ध्यान कैसे करे आज देख लेते हैं। मैंने ध्यान के कई रूपों पर कोशिश की है, और जो लोग शुरुआती चरण में ही या शुरुआत भी नहीं की है उनके लिए सबसे प्रभावी और मूल तकनीक बताऊंगा जो कोई भी अनुसरण कर सकता है। कुर्सी या फर्श पर कहीं भी आराम से बैठो। ध्यान के लिए एक शांत जगह चुने। शुरुआत में 30 मिनट के लिए टाइमर सेट करो। अपनी कमर को सीधा रख कर बैठो। लेट कर या कमर को झुका कर न बैठे। हवा को प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना चाहते इसलिए लेटने से और झुक कर बैठने से बचे। अपनी आंखें बंद करें और सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। बस सामान्य रूप से सांस लें। आपके सांस पर बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बस सामान्य रहो। अब आप अकेले हो। सिर्फ आप और आपका दिमाग, और आप वास्तव में अकेले नहीं रहना चाहते लेकिन आपको रहना पड़ेगा। आप ये नोटिस करना शुरू कर देंगे कि आपको दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। आपका मन लगातार आपके साथ बात कर रहा है। कुछ विचार आरामदायक है जबकि उनमें से कुछ बेहद खराब होंगे जिन्हें आप सोचना भी नहीं चाहोगे। बस उन विचारों को आने और जाने दो। उनका विश्लेषण न करें, उन्हें स्वीकार करें। बस आने और जाने दो। बस निरीक्षण करें, उनसे न जुड़े। सांसों का अपना लक्ष्य मानकर अपनी सांस पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि आप बीच बीच में सांसों से ध्यान खो रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं है। जैसे ही आप इसे समझते हैं फिर से ध्यान सांस पर केंद्रित करें। धीरे धीरे आपके शरीर को आदत हो जाएगी। ये सब आपको 30 मिनट में करना चाहिए। शुरुआत में ये बोरिंग और कठिन लगेगा लेकिन बार बार सांसों की तरफ लौटना पर मेरा यकीन मानिए ये सबसे प्रभावी तरीका है। आपके अंदर चाहे जो भी भावना है, दुख या खुशी या गुस्सा या जलन, सभी का सीधा सीधा संबंध सांसों से ही है। अगर आप जागरूक रहोगे तो आप महसूस कर सकते हो किसी भी प्रिय या अप्रिय परिस्थिति में सबसे पहले सांसों का ज़्यादा बढ़ना और घटना। अगर ये नियंत्रण में है तो आप अपने सभी विचारों पर काबू पा सकते हो। इसलिए ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नाम का उच्चार पहले अ और ओ पर ज़्यादा लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए, और बाद में फिर से जो म का उच्चार होता है उसको फिर से थोड़ा सा धीरे धीरे करना चाहिए। और ऐसे करेंगे 5-10 मिनट में तो ध्यान ऐसा केंद्रित हो जाएगा तो मन इधर उधर भटकेगा नहीं।